Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivation speaker, leadership consultant, and a CEO coach. Today, I'm back again with a powerful topic, and my topic is how to multiply your sales by 10 times. How to multiply your sales by 10 times. Today's topic is not about incremental growth. It is about exponential growth. Hey, come on. It is not about incremental growth. It is about exponential growth. You don't grow by 10%. You grow by 10 times. You don't grow by 10%. You grow by 10 times. So today, to actually establish this topic, I want to take you to a subject called salesman versus consultant. Main antar discuss karna chahta hun. I want to discuss the difference between salesman and a consultant. What is the difference between salesman and consultant? Salesman or consultant, both are doing actually the same job. Both are doing the same job. Salesman bhi wahi kar raha hai, consultant bhi wahi kar raha hai. Only difference is their approach, and with their approach they can actually change everything. There are a lot of people who are asking me this question. Aap MLM ka sales kar rahe hain, B2C, B2B kar rahe hain, corporate sales, institutional sales kar rahe hain, individual sales kar rahe hain, direct sales kar rahe hain, indirect सेल्स कर रहे हैं, चैनल पार्टनरशिप, कोई भी सेल्स है आपकी, प्रिंसिपल वही है जो मैं चर्चा करने वाला हूं. बिटवीन सेल्समैन एंड अ कंसल्टेंट, बिटवीन सेल्समैन एंड अ कंसल्टेंट, यू हैव टू टेक कंसल्टिंग अप्रोच, नॉट द अप्रोच ऑफ अ सेल्समैन. क्यों? क्योंकि सेल्समैन आया, प्रोडक्ट लाया, कंसल्टेंट आया, सॉल्यूशन निकाल के लाया. सेल्समैन आया, प्रोडक्ट लाया, कंसल्टेंट आया, सॉल्यूशन लाया. प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सॉल्यूशन बेचना है. व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट टू योर प्रोडक्ट, योर क्लाइंट इज नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज क्लाइंट डजंट वांट प्रोडक्ट, ही वांट्स ओनली सॉल्यूशन. सो कंसल्टेंट क्या करता है? सेल्समैन बार बार अपना माल बेचता है, ये ले लीजिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत बढ़िया, यही लेना है, ये सबसे अच्छा है, मार्केट में नंबर वन है. सेल्समैन इज ट्राइंग टू सेल व्हाट ही वांट्स टू सेल, व्हेयरएज कंसल्टेंट वो कुछ नहीं बेचता, वो खाली पूछता है. कंसल्टेंट खाली पूछता है, बार बार पूछता है, विल आस्क डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. एक्चुअली सेल्समैन 80% बोलता है, क्लाइंट 20% बोलता है, कंसल्टेंट 20% बोलता है, क्लाइंट 80% बोलता है. That's the difference. You got to understand. He will speak 80%, client will speak 20%, but as a consultant, you only speak 20% and the client will speak 80%. You find out the real hidden need. सेल्समैन ग्रीड पे काम करता है, कंसल्टेंट नीड पे काम करता है. सेल्समैन अपनी ग्रीड पूरी करता है, कंसल्टेंट क्लाइंट की नीड पूरी करता है. अगर आप ग्रीड के पीछे लग गए तो ना नीड पूरी होगी ना ग्रीड पूरी होगी, और अगर आपने फोकस कर लिया नीड पे तो ग्रीड तो अपने आप पूरी होती चली जाएगी, क्योंकि सामने वाले की नीड पूरी हो जाएगी. यू गॉट टू एक्चुअली वर्क विद अ कंसल्टेटिव अप्रोच. एंड व्हाट इज दैट कंसल्टेटिव अप्रोच? मीन यू हैव टू एक्ट एज अ कंसल्टेंट बाय आस्किंग, बाय कंसल्टिंग, बाय आस्किंग अ लॉट ऑफ सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन होते कैसे हैं? उस क्वेश्चन के लिए आपको एक नाइस एनालिसिस करना है. दैट्स माय सेंट्रल मैसेज, नाइस एनालिसिस. नाइस एनालिसिस बड़ा खूबसूरत होता है, उसको बोलते हैं नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन. कम ऑन, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन. व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, then what you actually showcase to him, he will immediately buy it. But problem क्या है? आप कुछ लेके आए, आप यही बेचना चाह रहे हैं, आपका focus इस पे है, उसकी need पे नहीं है, आपका focus अपने product पे है, उसकी need पे नहीं है. समस्या क्या है? समस्या यही है कि आप उसकी समस्या को नहीं समझ रहे हैं. आपकी समस्या यही है. जिस दिन आप उसकी समस्या को समझ गए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी. पर समस्या क्या? आप अपनी समस्या को समझ रहे हैं, उसकी समस्या पे focus नहीं कर रहे हैं. So there are many kind of questions that a consultant will ask. Salesman बार बार अपने product की features की बात करेगा, consultant बार बार उसकी नीड की बात करेगा, ढूंढेगा. He'll ask him some different kind of question. Now you would like to implement this principle, but the question would be coming, how to implement this principle? I'll tell you how to implement. के लिए सबसे पहले you need to actually understand क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे. Salesman product पे focus करता है, consultant सामने वाले के क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे पे focus करता है. क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे पे focus करता है. वो ढूंढता है उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है, कहां कहां चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है. उसकी एक्चुअली छुपी हुई नीड को, लेटेंट नीड को ढूंढ के निकालता है, और उसके बाद अपने उसी प्रोडक्ट को एक सॉल्यूशन की तरह दिखाता है. प्रोडक्ट बिक जाता है, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, 10 टाइम्स ग्रोथ होता है. सर 10% ग्रोथ नहीं होता. समस्या क्या है? आज जितने अरबपति बने वो इसी के कारण बने, क्योंकि वो मार्केट की नीड को पकड़ लेते हैं. वो कंसल्ट करते हैं, ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं. कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले रिसर्च किया जाता है. इसी तरह एक सेल्समैन को भी मिनी रिसर्च करना पड़ता है. मैक्रो रिसर्च नहीं, एक मिनी रिसर्च करना पड़ेगा by asking the right question. Question कैसे पूछे जाएं? Nice analysis करिए, need, interest, concern, expectation समझिए उसका. लेकिन उसको करेंगे कैसे? बोल के नहीं, सुन के. Come on, कैसे? सुन के. आपको सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, acknowledge करना पड़ेगा. कभी कभी parroting, paraphrasing करना पड़ेगा, तोते की तरह parroting करना पड़ेगा. वो बोलेगा मैं बड़ा परेशान हूं, आप बोलेंगे ओ आप तो बड़े परेशान है, अच्छा ये बड़ी दिक्कत चल रही है. वो कहता है मैं बहुत समस्याओं से घिरा हुआ हूं, अभी क्या खरीदूंगा. तो अभी आपको थोड़ा रिपीट करना है, ओ समस्याएं तो चल रही,
नहीं है, थोड़ा समझना चाहूंगा क्या क्या समस्या चल रही है। बेसिकली आपको उसके जूतों में घुसना पड़ेगा, बट टू एक्चुअली कहते हैं ना टू एंटरिंग इन टू समबडी एल्सेस शूज, बट वॉट टू डू टू एंटर इन टू समबडी एल्सेस शूज, फर्स्ट टेक ऑफ योर ओन शूज, पहले अपना जूता उतारिए, अपने प्रोडक्ट से बाहर निकल के उसके जूते में घुसिए। वॉट टू डू, इसको ईजी करने के लिए मैं आज आपको आई एम गोना गिव यू सम नाइस टिप्स हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स यू कैन अटेंड अ डिटेल्ड प्रोग्राम, बट राइट नाउ सम टिप्स हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। यू कैन आस्क हिम सम थिंकिंग क्वेश्चंस, सम करंट रियलिटी क्वेश्चंस, व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। यू कैन आस्क हिम सम क्वेश्चन, ही विल स्टार्ट स्पीकिंग आउट। देन यू स्टार्ट आस्किंग हिम सम विजन क्वेश्चन, आफ्टर करंट रियलिटी क्वेश्चन एंड थिंकिंग क्वेश्चन, आस्क हिम सम विजन क्वेश्चन, सम गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन, वेयर डज ही वांट टू एक्चुअली रीच। वंस यू नो, उसका कुछ गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछिए, कुछ विजन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछिए, आपका विजन क्या है, उससे पूछिए क्या गोल है, आप 2 साल में, 1 साल में, अगले 6 महीने में, 3 महीने में कहां पहुंचना चाहते हैं, उसके गोल को समझिए, उसके विजन को समझिए, उसके बाद उससे करंट रियलिटी क्वेश्चन पूछिए फिर से। लेकिन अभी कहां है, अच्छा आप 10 में से 8 पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अभी कहां है, 10 में से 4 पे है, आपको गैप मिल जाएगा। अभी वो 10 में से 4 पे है, पहुंचना चाहता है 10 में से 8 पे, अभी वो 10 में से 4 पे है, पहुंचना चाहता है 10 में से 8 पे, आपको गैप मिल जाएगा। जैसे ही गैप मिलेगा आप गैप पार्टनर बन जाएंगे। लिसन बी वेरी केयरफुली, यू गॉट टू अंडरस्टैंड हिज करंट रियलिटी, हिज आउटकम एक्सपेक्टेड। यू वांट टू अंडरस्टैंड वेयर इज ही राइट नाउ, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज विजन, अब उसका गोल स्टेटमेंट क्या है, वो जाना कहां चाहता है। जब आपको उसका अंतर मिल जाएगा, यहां से लेके वहां तक जाना है, इसको बोलते हैं एसएस, एस्पायर एंड देन आर्किटेक्ट। अब आप आर्किटेक्ट करने में उसकी मदद करेंगे, आर्किटेक्ट की बड़ी जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अब आप उसकी लाइफ में पार्टनर बन गए हैं, अब आप सेल्समैन नहीं है, पार्टनर है, आप उसकी लाइफ पार्टनर बन जाते हैं शादी किए बिना, क्यों, क्योंकि आप उसको मदद कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। इसी के दौरान आप उससे प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे, आप उससे सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चनिंग भी है ना, ये भी अपने आप में साइंस है, इसके ऊपर भी पूरा ट्रेनिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू अपलोड मोर वीडियोस ऑन दिस, के प्रोबिंग क्वेश्चन कैसे पूछें, लीडिंग क्वेश्चन कैसे पूछें, ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे पूछें, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन कैसे पूछें। नेट पर रिसर्च करिए, जब तक मेरा वीडियो नहीं आता आप नेट पर काफी रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन ऑलरेडी दिए गए हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन से वो जो आंसर बताएगा और उसके बाद उसकी तकलीफ निकल के आएगी, और उसकी तकलीफ में जब आप बोलेंगे ओ इतनी समस्या चल रही है, इतने दिन से चल रही है, माय गॉड, तो कितना जरूरी है आपके लिए ठीक करना, बोलेगा बहुत जरूरी है। कितना कमिटेड है आप इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, बोले काफी कमिटेड हूं। एंड देन यू कैन आस्क हिम, डू यू वांट मी टू हेल्प यू इन दिस, देन यू बिकम हिज गैप पार्टनर, एंड देन यू ऑफर द सेम प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन, वो तुरंत खरीद लेगा। साहब द सेल्समैन का अप्रोच छोड़ना है, आज से कंसल्टेंट बनना है, अगर 10 गुना ग्रो करना है तो यही करना पड़ेगा, कंसल्टिंग अप्रोच अपनाइए। आज का मेरा वीडियो इस बात पे नहीं है कि आप 10% ग्रो करें, आज का मेरा वीडियो इस बात पे है कि आप 10 गुना ग्रो करें। 10 गुना ग्रो करने के लिए अपनी क्वेश्चनिंग को इंप्रूव करिए। ये क्वेश्चनिंग जिस व्यक्ति की इंप्रूव हो जाती है बड़ा पावरफुल हो जाता है। पूछने वाला लीड करता है, बताने वाला लीड नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी संवाद के अंदर प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति ही संवाद को लीड कर रहा होता है, उत्तर देने वाला व्यक्ति संवाद को नहीं लीड करता। आप लीडर हो जाएंगे, कंट्रोल में रख लेंगे अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन को, और वो कॉन्वर्सेशन आप ही के फेवर में जाएगी, क्योंकि आपके प्रश्न के ऊपर जो प्रश्न होगा बड़े काम का होगा। कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, किस प्रकार का आप जीवन चाहते हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, कितना कमिटेड है आप अपने जीवन को इंप्रूव करने में, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के आप जब प्रश्न पूछते हैं। अभी कहां हो, जाना कहां है, कैसे जाओगे, ये 3 प्रश्न डिटेल में पूछे जा सकते हैं। अगर आप समझ गए आपका कस्टमर अभी कहां है, उसको जाना कहां है, वो कैसे जाएगा, इस बात के बाद आपने उसके 3 उत्तर अगर निकाल लिए, और उसमें जो कैसे जाओगे उसके अंदर आप उसकी मदद करेंगे। जानते हैं, आई हैव रिटन 1 फुल बुक ऑन डबल योर ग्रोथ विद एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, बहुत अच्छी किताब है, इसके अंदर काफी उपाय दिए गए हैं आपकी अपनी सेल्स को बढ़ाने का, डबल करने का। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या ऑनलाइन कई स्टोर पर मेरी किताबें मिलती है। आई हैव ऑथर्ड अबाउट 10 हाई पावर मोटिवेशनल बुक्स, गो बैक एंड चेक। सेल्स और लीडरशिप पे मैं कई सेमिनार्स करता हूं, अगर आपको लगता है मेरे वीडियो नाकाफी है तो किसी दिन आप मौका निकाल के मुझसे मिलने जरूर आइए, प्रोग्राम अटेंड करिए। ये नंबर दिया गया है मोबाइल नंबर, इसी नंबर पे आप मेरे साथ संपर्क में रह सकते हैं। सेल्स पे मैं 3 वीडियोस और डालने वाला हूं, वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं मेरे सारे वीडियोस आप तक मिले तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो यहां बेल आता है, बेल के बटन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश यही है कि मैं इन वीडियो से आपकी मदद कर सकूं। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है उसकी सेल्स इंप्रूव नहीं हो पा रही है और वो सेल बढ़ाना चाहता है, सेल को ग्रो करना चाहता है, मेरा ये वीडियो उससे जरूर शेयर करिएगा। मेरे मिशन में उसको इंप्रूव करने के लिए आप मेरी मदद करिए, ताकि हम दोनों मिलकर आपके फ्रेंड को इंप्रूव कर सकें। शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।